ओम शांति। मनोबल और मनसा सेवा में हम एकांत, एकांतवासी और एकाग्रता पर अध्ययन कर रहे हैं और हम उसमें जो अध्ययन कर रहे हैं अभ्यास की आवश्यकता। क्यों क्यों अभ्यास करें एकांत का, एकांतवासी का और एकाग्रता। तो कल हमने नंबर एक किया था, आज नंबर दो है सर्व प्रकार की हलचल से बचने के लिए। सब प्रकार की हलचल से बचने के लिए एकांत, एकांतवासी और एकाग्रता का अभ्यास करो तो आप हलचल से बच जाएंगे। आजकल की दुनिया में हलचल से तंग आ गए हैं, चाहे राजनीति की हलचल हो, चाहे वस्तुओं के मूल्यों की हलचल हो, करेंसी की हलचल हो, कर्म भोग की हलचल हो, ऐसे सर्व प्रकार की हलचल में तंग आ गए हैं। जितने भी साइंस के साधन हैं, पहले वो सुख के साधन अनुभव होते थे, आज वो सारे साधन क्या लगते हैं, हलचल अनुभव कराने वाले हो गए हैं। कोई भी साधन ऐसा नहीं है जिसको थोड़ा सा सुख तो पहुंचाते हैं परंतु तो दुख भी इतना भयानक है जिसकी कोई लिमिट नहीं। चाहे आप ये अंग्रेजी गोलियां खा लो, चाहे करेंसी का देख लो, पता नहीं कौन सा नोट कब बदल जाए, कौन सी करेंसी चेंज हो जाए, कौन सी करेंसी डूब जाए, राजनीति का कोई पता नहीं कौन मर जाए और कौन उठ जाए। यहां भी ब्राह्मण आत्माएं, संकल्प में व संपर्क में हलचल से ही थकती हैं। संकल्प में भी थकी पड़ी है, संपर्क में भी हलचल से थकती है। इसलिए सहज विधि है, क्योंकि जितना हमारे अंदर संकल्प उल्टे सीधे चलेंगे तो हम थक जाएंगे। और ये संकल्प एक एकाग्रता को अपनाओ, हाँ, इसके लिए सदा एकांतवासी बनो। एकांतवासी से एकाग्र सहज ही हो जाएंगे। मैं और मेरा, क्योंकि हलचल से ही तो थकेंगे। हमारे संकल्पों में हलचल होती है, हम थक जाते हैं, क्या करें, सिर दर्द हो रहा है। और जब हलचल ही ना हो, मन शांत एकदम, तो उसके लिए क्या करना है, हमें एकांतवासी बनो। और एकांतवासी बनने से आप एकाग्र सहज ही हो जाएंगे। ये बाबा ने 28 दिसंबर 1979 को कहा, समझाया। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।